प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना भारत को हथियारों की खरीद में आत्मनिर्भर बनाने का है। इसी मुहिम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य के 6 शहरों को लेकर बन रहा डिफेंस कॉरिडोर प्रोजेक्ट गेम चेंजर साबित होगा। ये डिफेंस कॉरिडोर इंडियन एयर स्पेस और डिफेंस सेक्टर में विदेशी कंपनियों के मुकाबले स्वदेशी कंपनियों को बड़ी ताकत देगा। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसका उद्देश्य भारतीय एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र की विदेशी निर्भरता को कम करना है। इसकी शुरुआत 11 अगस्त 2018 को प्रदेश के अलीगढ़ में आयोजित बैठक में रक्षा उत्पादन में 3,700 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की घोषणा के साथ हुई थी। उत्तर प्रदेश सरकार के नेतृत्व में लखनऊ, कानपुर, झांसी, आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट इन 6 नोड्स को देखते हुए ये योजना बनाई गई है जो उत्तर प्रदेश के मध्य पूर्व पश्चिम क्षेत्र में फैली है और दिल्ली कोलकाता को जोड़ने वाले स्वर्णिम चतुर्भुज के साथ एक्सप्रेसवे के नेटवर्क से भी जुड़ी है। इस कॉरिडोर का उद्देश्य राज्य को सबसे बड़े और उन्नत रक्षा विनिर्माण केंद्रों में से एक के रूप में स्थापित करना और विश्व मानचित्र पर लाना है। भारत के रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया के लक्ष्य को पाने में यूपी का ये डिफेंस कॉरिडोर अहम है। इससे सालाना 10 से 20 हजार करोड़ रुपए का आर्म्स एक्सपोर्ट करने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। डिफेंस कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को 11,250 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं। इससे हजारों की संख्या में रोजगार के मौके भी बनेंगे। उत्तर प्रदेश में निवेश बढ़ाने के साथ ही रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए राज्य सरकार कई मोर्चों पर काम कर रही है। इन्हीं प्रयासों से उत्तर प्रदेश अब रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में भी हब बनता जा रहा है। यूपी डिफेंस कॉरिडोर प्रोजेक्ट के तहत लखनऊ में 200 एकड़ की यूनिट में ब्रह्मोस मिसाइलें 2025 से तैयार होने लगेंगी। इस यूनिट में 5,000 प्रत्यक्ष और 10,000 अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे। डिफेंस कॉरिडोर में बुलेट प्रूफ जैकेट, ड्रोन, लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, तोप और उसके गोले, मिसाइल, विभिन्न तरह की बंदूकें आदि बनाए जाएंगे। इससे अप्रत्यक्ष तौर पर भी रोजगार मिलेंगे। करीब 1,500 करोड़ रुपए की लागत से तैयार अलीगढ़ नोड में 19 इंडस्ट्रियल यूनिट्स होंगी। यूपीडीआईसी के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने उद्योगों और निवेशकों के साथ 12,139 करोड़ रुपए के संभावित निवेश के 105 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यूपीडीआईसी में पहले ही 2,422 करोड़ रुपए का निवेश किया जा चुका है। राज्य और केंद्र सरकार के संयुक्त प्रयासों से उत्तर प्रदेश जल्द ही रक्षा उत्पादन हब बनने की राह पर है। भारत सरकार ने 2030 तक करीब $5 अरब के हथियारों के निर्यात का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है।